तो यार हेलो दोस्तों, आज अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप फार्मिंग सिम्युलेटर 17 के अंदर मोड्स वगैरह लगा सकते हो। कॉमन वे जो है वो आप लोग क्या करते हो कि जो फार्मिंग सिम्युलेटर 17 है उसके अंदर मोड्स का आपको आइकन दिख जाएगा, इसके अंदर जाते हो और यहाँ पे आप मोड वगैरह लगा सकते हो। बट यार आप लोग को पता होगा कि इसके अंदर ज़्यादा मोड अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रैक्टर का कॉलम है, यहाँ मैं जाता हूँ, यहाँ पे एक भी ट्रैक्टर नहीं है, दो क्रेन्स हैं, एक गाड़ी है और एक यहाँ पे ट्रक है, और मैप्स के अंदर कोई भी मैप नहीं है। तो कि यार इसका जो मोड हब है ना उसके अंदर कोई मोड अवेलेबल नहीं है। फार्मिंग सिमुलेटर 19 के अंदर हालांकि कुछ मोड्स अवेलेबल हैं बट यार इसके अंदर कुछ नहीं है। और अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, उसको देख लेना, आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। सबसे पहले तो इसको मैं क्विट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा वे क्या है, जहाँ से आप बहुत सारे इंडियन मोड्स ट्रैक्टर के डाउनलोड कर सकते हो, मैप वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिंपली कोई भी ब्राउज़र में चले जाना है, यहाँ पे लिख देना है FS17 मोड्स, उसके बाद ये वाली साइट आ जाएगी, इसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको तीन कॉलम मिलेंगे, फार्मिंग सिम्युलेटर 19 मोड, फार्मिंग सिम्युलेटर 17 मोड्स। तो 17 मोड के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे जितने भी मोड्स आएंगे वो 17 के आएंगे। बट फिर भी आप लोग चेक कर लेना कि ऊपर यहाँ पे आइकन बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हो FS17। तो ये आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सारे FS17 के मोड्स हैं, इनमें से आप कोई भी लगा सकते हो। यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे ऊपर कॉलम मिल जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, इम्प्लीमेंट्स, ट्रक कार्स, ट्रेलर्स, मैप्स, टेक्सचर, बिल्डिंग्स। तो इसमें से आप कौन सा भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे ट्रैक्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कार्स वगैरह ट्रैक्टर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ आ जाएंगी, आप कोई भी कंपनी का वगैरह लगा सकते हो। अगर आपको ट्रैक्टर नहीं लगाना है तो यहाँ पे ऊपर एक और कॉलम है, यहाँ पे अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है कार्स, ट्रक्स वगैरह, यहाँ पे मैं कार सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे मोड आ गए हैं सारे। अभी दोबारा चलते हैं ट्रैक्टर के अंदर। तो यार मैं आप लोग को, ज़्यादातर जो लोग हैं वो ट्रैक्टर के ही मोड लगाएंगे मुझे पता है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं फोर्ड, यहाँ पे देख सकते हो फोर्ड के ट्रैक्टर आ चुके हैं, ज़्यादातर तो आपको यार इंडियन ही दिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मॉडिफाइड है पूरे, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला ट्रैक्टर जो कि फोर्ड का ओल्ड मॉडल है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको 83 MB का ये मोड है, इसका मतलब इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस मिलेगी आपको, कोई भी घटिया मोड नहीं मिलेगा। और इसको कहाँ पे डाउनलोड करना है, सिंपली यहाँ पे तो यार मैं डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है FS17 मोड, वहाँ पे मैं आप डाउनलोड कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है तो मैं वीडियो थोड़ी सी स्किप कर दूंगा यहाँ पे। ओके, तो दोस्तों अपना जो मोड है वो डाउनलोड हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ था FS17 मोड्स का, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना जो मोड है वो डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस इसको राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आप कट या इसको कॉपी कर सकते हो, मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ इसे। और इसको ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको बहुत सारे फोल्डर मिलेंगे, उसके अंदर माई गेम्स का फोल्डर होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा फार्मिंग सिम्युलेटर 17, इसको ओपन कर लेना। यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम होगा मोड्स, अगर नहीं है तो क्रिएट कर लेना स्मॉल लेटर्स के अंदर, मोड्स के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे ऑलरेडी थोड़े से मोड लगे हुए हैं, यहाँ पे मैं कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है और पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आ चुका है अपना फाइल, अभी कुछ नहीं करना, इसको क्लोज कर देना है और यहाँ पे अपनी फार्मिंग सिम्युलेटर 17 को रन कर देना है, रन एज एडमिन करना, क्योंकि मोड्स की वजह से जो लोड है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ पे अपनी जो गेम है वो लोड हो चुकी है। यहाँ पे मैं कैरियर में जाऊँगा, यहाँ पे न्यू गेम सेलेक्ट कर लूँगा मैं, इसको कर लेते हैं ईजी। मैप जो है वो गोल्ड चेस्ट वैली मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यार कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अपना मोड आ चुका होगा, मैं देख लेता हूँ, ये देखो फोर्ड सन सुपर मेजर ये आ चुका है यहाँ पे, इसको यहाँ पे टिक कर लेना है। यहाँ पे पहले से ही टिक था, आपके ऐसा होगा अनटिक होगा, इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे टिक कर लेना है, उसके बाद स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे गेम थोड़ा सा टाइम लेगी लोडिंग में, जितने ज़्यादा आप मोड लगाते जाओगे ना उतनी ज़्यादा हैवी होगी गेम, उतना ज़्यादा लोड में टाइम लगेगा।
ओके तो यहाँ पे अपनी जो गेम है वो लोड हो चुकी है, यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आ चुका है, इसको कर लेते हैं क्लिक। यहाँ पे हमें ट्यूटोरियल के लिए पूछ रहा है, इसको मैं नो कर दूंगा, तो क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि यार कैसे गेम खेलनी है। आप चाहो तो उसको यस कर सकते हो अगर आप फर्स्ट टाइम खेल रहे हो। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें पी दबाना है कीबोर्ड का, उससे क्या होगा कि हमारी जो शॉप है वो खुल जाएगी। उसके बाद ट्रैक्टर्स में जाना है, कोई सा भी आप मोड लगा रहे हो, जैसे हार्वेस्टर का लगा रहे हो तो यार आपको हार्वेस्टर की कैटेगरी में जाना है, अगर ट्रक्स का लगा रहे हो तो ट्रक्स की कैटेगरी में जाना है। अगर आपको फिर भी मोड नहीं मिल रहा अपना, तो यहाँ पे आपको उस मोड का ब्रांड देख लेना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है एरो पे, यहाँ पे ब्रांड्स आ जाएंगे। ब्रांड से क्या होता है यार, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है मोड को ढूंढना। अभी चलते हैं अपने ट्रैक्टर्स के अंदर। यहाँ पे आप जो मोड होते हैं ना वो लास्ट में होते हैं हमेशा। यहाँ पे देखो ये मैंने पहले से मोड लगाया हुआ है, यहाँ पे फोर्ड का होगा, ये देखो यहाँ पे फोर्ड का मोड है, $3,900 का है, कोई भी अपग्रेड नहीं लगा सकते इसके अंदर। इसको मैं बाय कर लूँगा क्योंकि सस्ता है ये। ये हो चुका है बाय। अभी हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैप खोल लेना है, स्केप बटन दबा के मैप खुल जाता है। यहाँ पे जो शॉप है उसके ऊपर क्लिक करके विजिट के ऊपर क्लिक कर देना है, ये अपनी शॉप है। यहाँ पे यहीं कहीं हमारा हमारा ट्रैक्टर खड़ा होगा, वो देखो वो खड़ा है अपना ट्रैक्टर जो कि हमने मोड लगाया है इस मैप के अंदर। और इसके जो क्रेडिट है मोडर के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, बाद में स्ट्राइक वगैरह मत देना। तो ये देखो अपना मोड, इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। फिलहाल के लिए जो मैंने इसके साउंड है वो बंद की हुई है, उसको मैं इनेबल कर दूंगा। तो चलो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। अगर कोई डाउट हो जाए फिर कोई प्रॉब्लम हो तो यार कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दूंगा। एक ही वैसे तो प्रॉब्लम जो मोड्स होते हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आते ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो मोड्स होते हैं ना वो ठीक ठाक क्वालिटी के होते हैं, बट अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है ना तो उसमें आपकी गलती होगी कोई ना कोई। बस आपको कुछ नहीं करना, फोल्डर्स ध्यान से नाम देख लेना है, उसके बाद ही आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फिलहाल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा गेम प्ले ऐड कर दूंगा मैं। सबसे पहले यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसको मैं 100% कर दूंगा और सेव गेम कर दूंगा। अभी जो ट्रैक्टर की आवाज़ है वो आ जाएगी।